आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। कटिहार के आजमनगर अंतर्गत मलिकपुर गांव के वार्ड संख्या 11 में एक घर में भीषण आग लगी, जिसमें रहने व खाने पीने के सभी सामान मौजूद थे जो जलकर खाक हो गए। चूल्हे से यह आग लगी है। घर वालों की माने तो यह आग खाना पकाते समय तेज हवा की वजह से लगी। हवा के कारण चूल्हे का आग धधक उठा और देखते ही देखते आशियाने को पल भर में जलाकर खाक कर दिया, जिसमें करीब 50 से 70 हजार तक का नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार मोहम्मद हसन और असगरी खातून किसी तरह मेहनत व मजदूरी कर अपने और अपने बच्चों के पेट को पालते थे। ऐसे में ग्रामीण व हसन असगर मंसूरी ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। खाना बनवा दे ऐसी बस घर चले गए। हाँ हाँ पानी घर चले गए। हम आगे थमी पान हाँ सोच के नहीं गोरु गाय बकरा बकरी सब रखा सुन की यही घर था आपके पास। हाँ क्या नाम है? असगरी। पति का नाम? पति का नाम हसन। घर कहाँ है आपको? घर मलिकपुर। पंचायत मलिकपुर? हमारा यही घर था, आग लगने के कारण बम के उठ गया आग और हम लोग थमा नहीं सके, आग जो है घर में लग गया और जो हम लोगों का यही घर था और हम रहेंगे कहाँ। सरकार से यही हुई है कि हमको कोई मुआवजा मिले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। पंचायत? मलिकपुर। गांव? गांव मलिकपुर। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर जरंडा 11। हाँ जब आगिन लगा था हम लोग मौजूद यही थे। हम लोग पूरा मिंगा दिया आगिन को। खाना पका रहा था, पछा का हवा आ रहा था, उसको आग लग गया घर में। ठीक है सर, बहुत मुश्किल से हम लोग आग बुझाया है इसे। और कुछ तेज होने के कारण आग जो है तो फैल रहा था। हम लोग बहुत मुश्किल से जो है तो आग को बुझाए, नहीं तो सारा जो है तो मोहल्ला जल जाता। बहुत परेशानी हुआ, बहुत पूरा गांव का आदमी जुटा तभी आग बुझाया। और दूसरी बात जो है तो घर जो है तो जल गया एकदम, बिल्कुल एकदम, और रहने का जगह नहीं है। सरकार से यही अपील है कि कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए, पनोरमा परिवार।